सिंगरौली में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां चार और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बताया जा रहा है ये सभी मुंबई से आए व्यक्ति के संपर्क में आए थे। सिंगरौली में कोरोना मरीजों की संख्या अब 11 हो गई है। जिले में पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव के संपर्क में आने से 6 लोग प्रभावित हुए थे, उसके बाद 4 और लोग प्रभावित हो गए। जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। मुंबई से आए कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से एक 80 वर्षीय व्यक्ति के भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कोरोना मरीज मिलने से ठठरा गाँव के लोग दहशत में है। हालांकि अभी सभी की तबीयत ठीक बताई जा रही है। गौरतलब है कि जिले के नेहरू चिकित्सालय में सुविधाओं के लिए कई बार प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब जरूरत होने पर लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कलेक्टर KVS चौधरी ने बताया है कि जिले में सैंपल कलेक्शन की संख्या बढ़ाई जा रही है और सभी कोरोना मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। पूर्व में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के फर्स्ट कॉन्टैक्ट, सेकेंड कॉन्टैक्ट, सभी प्रकार का हमने उनको पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके सैंपल भेजा गया था। उसमें से कल रात को रीवा लैब से 82 सैंपल का रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं। आज सुबह 27 सैंपल का रिपोर्ट प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुल मिलाकर अभी 4 व्यक्ति और पॉजिटिव पाए गए हैं। इस 4 व्यक्तियों के साथ जो कोविड पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 11 हुई है। इनमें लेकिन कोई भी मैंने अस्वस्थ नहीं है, कोई गंभीर रूप से कोई भी मैंने क्रिटिकल नहीं है, सभी लोग स्वस्थ है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही इन लोगों को मैंने स्वस्थ होकर अपने घर वापस मैंने जा पाएंगे और अपना काम कर पाएंगे। लेकिन इससे ये समझ में आ रहा है कि बहुत व्यक्ति इस प्रकार जो बाहर से आए हुए व्यक्ति है जो बिना लक्षण भी है लेकिन उनको कोरोना हो सकता है। इसीलिए भी इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें सभी व्यक्ति जो बाहर से आए हैं अपना घर पर अपना कमरे में ही सीमित रहे। थाली है, बर्तन है, वो अपना सेपरेट रखे, वो किसी को और को ना छूने दे, और किसी परिस्थिति में भी अपने घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है, इनसे किसी प्रकार मिलना नहीं। आज से हम लोग और मतलब बृहद रूप से और सघन रूप से सर्वे करके और सैंपल लेने के लिए निर्णय लिया है। अभी मैं सभी प्राइवेट चिकित्सक, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, सभी प्रकार के PHC CHC सभी जगह यह खबर कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी, किसी प्रकार का भी लक्षण है, आज से हम लोग और सैंपल लेंगे। कम से कम दिन में अभी 50 सैंपल लेने के लिए लक्ष्य रखा गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।